तो गाइस भगवान गौतम बुद्ध को तो आप लोग जानते ही होंगे, और भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ को एक मतलब जंगल में एक घायल तिल लगा हुआ सारस पक्षी मिलता है, उसको ठीक करता है। ठीक करने के बाद ही सिद्धार्थ के ससुरा भाई आता है देवदत्त, और देवदत्त ने उसको शिकार किया था, तीर लगा था, मतलब शिकार करने के लिए तीर मारा था। सिद्धार्थ और उनके ससुरा भाई देवदत्त के साथ लड़ाई हो जाता है। सिद्धार्थ बोलता है मैंने ठीक किया इसको, ये मेरा है, और देवदत्त बोलता है इसको मैं शिकार किया, ये मेरा है। तो उसी समय राजा के पास जाता है दोनों भाई, मतलब जाने के बाद राजा ने बोला कि सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच हार्स को रखा जाए, उसके बाद देखा जाए कि उस हार्स किस तरफ जाते हैं, उसी का ही हो जाएगा। उसके बाद हर्ष ने देवदत्त की तरफ देखता है तो बहुत ही डर लगता है, शिकार कर रहा था तो उसको देख के तो डर लगेगा ना। उसके बाद सिद्धार्थ के पास जाता है वो हर्ष, तो उसी का हो जाता है। तो इसी तरह एक कहानी रियल लाइफ में भी हुआ है, वो आप लोग को बताने के लिए आज ट्राई करूँगा। ऐसा ही रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है आरिफ और सारस के बीच, मतलब आप लोग यूट्यूब में सर्च करोगे तो सारस बोल के आप लोग को दिख जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख लगा है मुझे सुन करके। आप लोगों को सारा चीज़ बताता हूँ, आप लोग वीडियो में बिना स्किप किए देखते रहना। आरिफ और सारस के बीच मतलब क्या हुआ था, आरिफ एक लड़का है, उसका नाम है आरिफ। आरिफ ने जंगल में घूमने गया था, को एक घायल मतलब पैर में चोट लगा हुआ सारस दिखता है, सारस पक्षी को देख के उसने मतलब आरिफ ने घर में लेके आया और उसको मलम पट्टी करके, मतलब पक्षी को मलम पट्टी करके ठीक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो सारस पक्षी उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, वो जहाँ पे जाता है उसके साथ साथ जाता है, उसके साथ ही खाना खाते हैं। आप लोग वीडियो में देख रहे हो ऐसे इसी तरह से उसको, वो बाइक लेके जाता है तो उसके पीछे पीछे उड़ के जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा दोस्ती हो गया था उन दोनों के बीच। और आरिफ के साथ वो पक्षी खुद ही रहता था, उसको पिंजरे में कैद करके नहीं रखा, ये आइन के खिलाफ नहीं है, ठीक है गाइस। तो कोई पक्षी मतलब पिंजरे में बंद करके रखता है तो वो है आइन के खिलाफ, ठीक है गाइस। और ये खुला घूम रहा है, मतलब देख सकते हो आप लोग कैसे किस तरह से घूम रहा है, देखो वो मतलब उड़ उड़ के जा रहा है, उसके पीछे भी जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, तो उसके साथ खाना खाते हैं। तो गाइस उसके बाद गवर्नमेंट का एक रूल है कि राजोहा पक्षी को साथ लेके घूमना बैन है। तो जब भी वीडियो डालता था तभी वायरल होता है, तो ये ऐसा दोस्ती, गहरा दोस्ती वायरल होगा नहीं तो क्या होगा गाइस। तो गवर्नमेंट के नज़र पड़े उसके ऊपर, सारस पक्षी के ऊपर, उसको लेके चिड़ियाखाना में कैद करके रखा है पिंजरे में एक, आप लोग देख सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, चिड़ियाखाना में सुनने मिल रहा है कि चिड़ियाखाना में कुछ खाता भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है, सैड रहता है वो सारस पक्षी। और आरिफ भी बहुत ही ज़्यादा दुख है। तो आप लोग ऐसे दोस्ती को गाइस अलग करना, जुदा करना मुझे तो सही नहीं लगा गाइस। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोगों को भी ऐसा लगता है मेरे साथ एकमत है तो प्लीज़ एक शेयर कर देना उस दोस्ती के लिए गाइस, प्लीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको क्या लगता है।